हेलो फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन जिसमें त्रुटि होने की संभावना है, और वो क्वेश्चन था क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में इंडिया का रैंक। आयोग ने इसमें 10th रैंक इंडिया का जो है वो सही ठहराया है, बट ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं, इंक्लूडिंग ये ऑफिशियल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स का रिपोर्ट है 2022, जैसे कि आपको सामने दिख रहा है, ये एकदम क्लियरली ये लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें पूरा ये देखिए, पूरा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसमें जो पार्टनर्स हैं उसके, जैसे जर्मन वॉच आता है, उन सब का नाम भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आइए, अब इंडिया की रैंक देखिए, इंडिया की रैंक कितनी है, 9th है, 10th नहीं है। और जो बोला जा रहा है कि उसमें कोई सब डिवीज़न है, तो कोई सब डिवीज़न भी नहीं है, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं यही है, इंडिया की रैंक जो है 9th है, 10th नहीं है। और सन 2022 जो कि आयोग ने बोला है, तो इस डॉक्यूमेंट को आप भेजिए, और इस डॉक्यूमेंट को आप भेजेंगे तो आयोग को बदलना पड़ेगा ये आंसर भी, और जल्दी करिए इसको भेजने में। और आपको अगर ये चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है कर्मयोगी है, जिसका मैं लिंक भी नीचे डाल दूंगा, आप ज्वाइन करिए, हमने ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर रखी हैं। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन हैं, जैसे कि नागा सेना और नागार्जुन NCERT में RS शर्मा में दिया है कि ऑल्सो नोन एज ये, तो वो आप डाल सकते हो, वही RS शर्मा को उठा के आप भेज सकते हो। बाकी चांसेस उसमें थोड़ा सा 80-20 है, क्योंकि ये बहुत बार ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, और नागार्जुन ही सही माना गया है, सॉरी नागासेना ही सही माना गया है, क्योंकि नागार्जुना के नाम से एक और कोई स्कॉलर है जो बहुत फेमस रहे हैं, जो जिन्होंने मध्यमिका स्कूल शून्यवाद की फिलॉसफी बुद्धिज्म में दी गई है, वो वेल नोन है। बट जब RS शर्मा में दिया हुआ है, तो आप एक कोशिश तो इसमें कर ही सकते हैं, बाकी आयोग के ऊपर है, बहुत बार पहले भी पूछा है, UPSC ने भी पूछा है, UPSC ने भी नागासेना ही आंसर जो है करेक्ट माना है, बट ये वाला तो सीधे सीधे है जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा कई लोग वो मनी बिल और इन सब के बारे में बोल रहे हैं कि इंग्लिश ही माना जाएगा, बट आप ट्राई करिए, बिकॉज क्या है कि उसमें कोई ट्रांसलेशन त्रुटि नहीं है, उसमें सीधे सीधे मिसिंग है, और हो सकता है आयोग इसको ठहराए, क्योंकि ये इतना पॉसिबल नहीं होता कि मान लीजिए कुछ नहीं लिखा है, तो हो सकता है कि हिंदी वाले छात्र ने अंग्रेजी ना देखा हो, वैसे देखना जो है वो इंस्ट्रक्शन में लिखा रहता है, तो आप कोशिश कर सकते हैं, बाकी आयोग के ऊपर है, इंग्लिश में वो उसका कोई उसमें कोई गलती है नहीं, ठीक है। कुछ कुछ खरीदेदार वाले क्वेश्चन को भी कह रहे हैं, तो कुछ चुनिंदा बुक्स में वो दिया हुआ है, बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं उसमें खरीदेदार का वही आंसर है जो आयोग ने दिया, बट फिर भी आप ऑब्जेक्शन को रेज कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बेस्ट विशेस।